हाय गाइस, मेरा नाम सुशांत पांडे है। मैं 25 इयर्स का हूँ और फिलहाल तो मेरा रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल है और मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मैं एक एक्टर हूँ। ऐसा देखा जाएगा तो फिर मेरी कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है, बट लेकिन अगर लड़की का हेयर जो है वो शॉर्ट हेयर बॉब कट होता है ना, वो होगा, इट्स 10/10 फॉर मी। मतलब मैं सीधा फिदा हो जाता हूँ उस पर, आगे मैं कुछ सोचता नहीं। लड़कियों का कलर मैं देखता नहीं, आई एम नॉट रेसिस्ट। रेसिस्ट हो सकता है ना वो वाला, तो गोरी हो या काली हो, बस दिल से अच्छी हो, दैट्स व्हाट मैटर टू मी। जनरली दिस डेज आई एम नॉट ओपन टू फ्लिंग्स एंड वन नाइट स्टैंड्स, बट दैट डजंट मीन कि आई वॉन्ट ट्रू लव। ओके, तो बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर मोर देन वन नाइट स्टैंड, क्योंकि अगर वन नाइट स्टैंड के बाद अगर वो बंदी से कॉन्टैक्ट ही ना हो तो मतलब ही क्या। बट येस, आई विल प्रोबेबली लुक फॉर वन नाइट स्टैंड्स और फ्लिंग्स इफ आई गेट अ चांस। दो चीज़ें, ट्रस्ट, ऑनेस्टी। अगर लड़की मुझ पर ट्रस्ट करती है, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, तो बात ख़त्म हो जाती है, रिलेशनशिप स्मूथली जाएगी। ऑनेस्टी अगर दोनों में है, अगर बातें नहीं छुपा रहे, तो फिर रिलेशनशिप स्मूथली जाएगी। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो फिर वो रिलेशनशिप में और मतलब प्रॉब्लम होना ही है। किसी के भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा अगर ऑनेस्टी और ट्रूथ नहीं होगा। बैग उठाया, चल दिया, ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो जॉब पे हो तो सिर्फ वीकेंड को ट्रैवल कर सकता हूँ। लोग ट्रैवल करते हैं खुशी के लिए, दुख में, मज़े के लिए। मैं ट्रैवल करता हूँ जब मैं बोर होता हूँ। इफ़ आई एम बोर्ड, आई विल प्रोबेबली ट्रैवल टू द प्लेस वेयर आई हैव नॉट बीन टू। बाइक निकाली, चल दिया, बस। यस, विच गर्लफ्रेंड? क्योंकि चार बार गया है बेसिकली लड़कियों के साथ में। एक तो था जो वन नाइट स्टैंड, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था काइंड ऑफ वही था, बट उसके अलावा देखा जाएगा तो एक है जो गोवा का है, फिर उसके बाद अलीबाग का है, फिर दीव और दमन का है। ये तीनों में अगर देखा जाएगा तो मेरा फेवरेट जो था वो दीव और दमन का था, क्योंकि वो बोलते ना जो मेरी आइडियल गर्ल थी, द गर्ल विथ शॉर्ट हेयर, डार्क टोन, बहुत सारी मेमोरीज थी उसके साथ में। आई लुक फॉर मैनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लुक फॉर द प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू, इफ द प्लेस इज हाइजीनिक और अनहाइजीनिक, क्योंकि मुझे हाइजीनिक प्लेस पे ही जाना पसंद है, अनहाइजीनिक चीज़ें करना पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर उसके बाद मैं देखना चाहूँगा कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट लिस्टिंग किस लेवल तक है, जैसे कि क्योंकि मुझे पब्स में जाना पसंद है, प्लेस देखना पसंद है थिएटर्स में जाकर। फिर उसके अलावा व्हाट डू आई लुक फॉर, यस आई विल कैरी एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ क्लोथ्स एंड ऑल्सो अंडरगारमेंट्स, बिकॉज आई लाइक स्विमिंग एंड जिमिंग, तो अगर मुझे चांस मिलता है तो फिर मैं जिम चला जाता हूँ। माई आइडियल ट्रैवल, तो मेरा ट्रैवल बेसिकली ना, मैं सबसे पहले इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया में इतनी खूबसूरती है, अगर देखना चाहोगे आप तो ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जहाँ पर मैं जाना चाहूँगा वो है सबसे पहला केरला। केरला की सीनरी, उधर के माउंटेन्स, उधर के खाना, फिर कोकोनट वाटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैं अगर चांस मिला मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जाने का, तो फिर मैं वहाँ पे रो बोटिंग होता है ना, सबसे पहले वहाँ पे जाना चाहूँगा। और फिर इंटरनेशनली देखा जाएगा तो फिर मेरा ड्रीम है बचपन से, आई वुड लव टू ट्रैवल इन पेरिस, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में एक
पर्दे की तरह हो, मैं एक आईफिल टावर के नीचे बैठा हूँ, हाथ में एक पाइंट ऑफ बियर है, बाजू में चॉकलेट्स है, चिप्स है जो अपने लैंग्वेज में चकना कहते हैं। और फिर इसके अलावा मैं जाना चाहता हूँ नॉर्थ लंदन एमिरेट्स स्टेडियम में, बिकॉज आई एम ए डाई हार्ड आर्सेनल फैन। तो और अगर आप देखना चाहोगे तो रणवीर सिंह, वो भी आर्सेनल फैन है और ही इज़ बीन टू एमिरेट्स एंड द वे ही पोर्ट्रेड एमिरेट्स, आई लव दैट। सो इट्स माई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रीम टू विजिट एमिरेट्स स्टेडियम। थैंक यू।